गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है जो भी फ्रेंड्स मेरे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। और ये है एक्चुअली बैंक क्लर्क बोलते थे पहले इसको, बट ये आप जूनियर एसोसिएट्स के पोस्ट से नाम से आता है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल में जाइए, SBI रिक्रूटमेंट आप टाइप करिए, तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे जो SBI रिक्रूटमेंट पे आप सर्च पे। बट ये जो है करंट ओपनिंग्स, SBI.co.in पे गया, करंट ओपनिंग्स पे गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सारे आ गए। और यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, ये जो है स्पेशलिस्ट वाला है, उससे पहले आप देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। क्योंकि ये मैंने डाउनलोड कर रखा है ये वाले लिंक से, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर से। तो अब मैं डायरेक्टली इस लिंक पे चलता हूँ और सारे जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस जो है वो है 7/9, मतलब ये इसी महीना सितंबर में शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो है वो है 27/9। तो आज जो है वो 15th है। तो मैं आप सभी फ्रेंड्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि इसको विदाउट एनी डिले, लास्ट डेट में ट्रैफिक जैम भी हो जाता है, आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो इसको स्टार्ट कर दें। और इसके बारे में देखिए, वैकेंसी जो है ये आपको दिखेगा, ये सर्कल वाइज वैकेंसीज आता है, जैसे अहमदाबाद हो गया, वो गुजरात दमन दीव स्टेट को, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बेंगलोर कर्नाटका, भोपाल क्या है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ऐसे करके सर्कल वाइज वैकेंसीज आया है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि वैकेंसीज बहुत ह्यूज हैं, टोटल आप देखिए 5008। तो ये जो है वैकेंसीज का पोजिशन हो गया, और लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया है। फिर आप इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें को देख लेते हैं जो कि आपको जानना चाहिए, और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ। आप प्लीज़ लास्ट तक इसको देखिएगा तो आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एज लिमिट क्या है ये जानना ज़रूरी है, एज ऑन 1/8/2022, दैट इज 1 अगस्त को कितना होना चाहिए, नॉट बिलो 20 एंड नॉट अबव 28। फिर इसमें क्या है, फर्दर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो आप एज रिलैक्सेशन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स का भी इसमें आप देखेंगे साइड में, राइट हैंड साइड में ये सब दिया हुआ है, डिग्री एंड ऑल, आप इसमें जो फुल एडवर्टाइजमेंट है उसमें जाके देख लीजिए। सेलेक्शन प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। फेज वन जो है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। मतलब एक एक आप इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शन एज फॉलोज। कौन से 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो न्यूमरिकल एबिलिटी मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स 30, मिनट्स 20। मैथ्स में कितना है, न्यूमरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35 एंड मिनट्स इज वेरी लेस 20। फिर रीजनिंग एबिलिटी में भी वही 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड द मिनट्स इज 20। तो 20 20 20 3 सेक्शन के हो गए 1 आवर, ठीक है, ये प्रिलिमिनरी हो गया। प्रिलिमिनरी क्लियर करने के बाद में फेज टू मेन्स एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स, मतलब 5000 अगर वैकेंसी है तो 50000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होकर इसमें आएंगे। सो ये देखिए इसमें क्या जुड़ जाता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जुड़ जाता है, अगेन इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बन जाता है जो मैथ्स था वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस एक जुड़ा और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक जुड़ गया, क्वेश्चंस बढ़ गए, ड्यूरेशन बढ़ गया, और इसको क्लियर करते ही आपका बैंकिंग कैरियर शुरू हो जाता है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कितना होगा, 1/4, मतलब आपका 0.25 इज द नेगेटिव मार्क, ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर प्रेस्क्राइब्ड, एंड आपका हाईएस्ट आपको स्कोर करना चाहिए, जितना ज्यादा आप स्कोर करें, ठीक है। फिर उसके बाद में लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड, मतलब अगर आपका जो स्टेट के हिसाब से रहेगा, और उसके बाद में आपका लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है। तो ये सब जो है ये इसके इम्पोर्टेंट चीज़ थे, जो आप इसको करके फॉर्म को फिलअप कर लें तुरंत, क्योंकि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया लास्ट डेट इज वेरी नियर, क्या है डेट, तो 27/9।
ठीक है। और इसका प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। आज से हम लोग इसमें आपको मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। खास करके मैंने ये देखा है पढ़ने में इसके लिए इसमें, क्योंकि जो मैथ्स है एंड जो रीजनिंग है उसमें आपको फास्ट होना पड़ेगा। 20 मिनट्स, तब 35 क्वेश्चन, सेम आपका मेंस में भी है। तो इसमें आपको रेस अगेंस्ट टाइम होगा, तो उसका जो शॉर्टकट्स है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो मेरे साथ जुड़िए तो आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप एडवांस लर्नर हैं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि लास्ट में वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूंगा, एडवांस लर्नर्स को प्रैक्टिस करना होता है। तो बहुत सारे वेबसाइट हैं, मगर मेरे नज़र में एक फ्री वेबसाइट है जिसको आप ये कर सकते हैं। वो देखिए, मैं गूगल कर रहा हूँ, testgenie.com, ठीक है। इसमें आपको चले जाइए, ये आपको लॉगिन पेज पे ले जा रहा है। मेरे ऑलरेडी ये इसमें है, तो मैं आपको ले जाता हूँ वेबसाइट पे, टेस्ट जीनी। आप वैसे गूगल करेंगे, TESTSGENIE, तो देखिए ये वेबसाइट आपका खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे पहले साइन अप कर लीजिए, और इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन है, और इसके देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, और इसमें अनलिमिटेड फ्री क्वेश्चंस हैं, फ्री टेस्ट हैं, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। इस पर आप प्रैक्टिस करिए, और आप देखिए कितने सारे यूजर्स भी हैं इसमें, और इसमें जो टेस्ट हैं वो देखिए 800, करीब 1000 टेस्ट के आसपास है। एक भी टेस्ट में कोई पैसा नहीं लगता है। पहले साइन अप कर लीजिए, उसके बाद आप लॉग इन करिए, यू आर रेडी टू गो, और मेरे साथ जुड़ जाइए आप, और हम लोग इसका प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ। विश यू गुड लक, और सारे जो एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड, उसको जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और कंसेप्चुअली लर्न करने के लिए मैं इसमें आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी दूंगा, अपना वेबसाइट जो मैंने बताया उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको क्रैक कर सकते हैं। सो वंस अगेन विश यू गुड लक, थैंक यू फ्रेंड्स।